नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। राजद छोड़कर जेडीयू में सलीम प्रवेश शामिल हो गए हैं और आते ही उन्होंने बड़े बयान दे दिए। हालांकि इससे पहले हमने उनसे बातचीत की थी, लेकिन एक बड़ा कद, एक बड़ा नेता और एक बड़ा जन समर्थन, ये तस्वीरें देखिए। दरअसल ये तस्वीरें उस वक्त की है जब राजद के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रहे सलीम प्रवेश ने आज राजद का दामन छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए हैं। और उसके बाद ये लाव लश्कर देखिएगा किस तरीके से जब वो जेडीयू कार्यालय पहुंचे तो जो ये जन समर्थन दिख रहा है, हाथी घोड़े भी दिख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर उनके समर्थन में जो तस्वीरें दिख रही हैं बखूबी, ये तस्वीरें बता रही है कि उनका कद कितना बड़ा है और किस कद के साथ वो पार्टी में शामिल हुए हैं। जिम्मेदारी भी उनको बड़ी मिल सकती है, लेकिन जब उनका ये समर्थन, जब उनका ये एक तरीके से कहते हैं सैलाब, वो अपने समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां उनका स्वागत करने के लिए पार्टी के बड़े बड़े नेता स्वागत को तैयार होते हैं। यहीं से पता चलता है कि सलीम परवेज का कद कितना बड़ा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद होते हैं उनके स्वागत के लिए। इतना ही नहीं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और भी कई बड़े नेता जो हैं पार्टी के, जो कई पदों पर हैं, वो सभी लोग इनका स्वागत करने पहुंचते हैं। मिलन समारोह के दौरान की जब तस्वीरें दिखी तो बखूबी ये सब कुछ वो बताने के लिए काफी था कि जिस MOI समीकरण को लेकर के राजद लगातार आगे बढ़ती रही, उस MOI समीकरण का एक बेहतर चेहरा कहे जाने वाले सलीम परवेज आज जेडीयू में शामिल हो गए हैं। उन्होंने इसे बताया कि वो घर वापसी है, बेहतर वक्त है अपने परिवार के साथ एक बार फिर से आने का। लेकिन इन सारे तस्वीरों के बीच जो मिलन समारोह के दौरान की तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरों से बखूबी आप समझ सकते हैं उनके कद को, और अब पार्टी कितना और मजबूत हुई ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान देखिए, ललन सिंह यानी कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ललन सिंह ने उनको सदस्यता दिलवाई। इसके साथ साथ कई जो अन्य बड़े नेता जो रहे, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, उमेश कुशवाहा की बात करें, सभी लोगों ने उनका पार्टी में स्वागत किया और बखूबी स्वागत के दौरान उन्होंने एक बार फिर से राजद पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने मान मर्यादा का मर्दन नहीं कर सकते हैं, बल्कि इससे वो किसी भी तरीके से गिरने नहीं देंगे। और यही बातें उन्होंने जब सदस्यता ग्रहण की तब उन्होंने कहा। क्या कुछ कहा उन्होंने सदस्यता ग्रहण करने के बाद, ये सुनिए। अध्यक्ष को मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं फिर से एक
जिसको हमेशा कराया गया, जिसको वोट की राजनीति की गई कि अगर तुम वोट नहीं दोगे तो दूसरी जो पार्टी है वो तुम्हें मार डालेगी। मैं उन तमाम लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, अखिलियत के लोगों को क्या भी जान चाहिए आपको, मैंने तो ये किसी तरह से सुबह का भूला हुआ शाम भर लौट रहा है तो उसे भूला नहीं चाहिए। तो देखा आपने किस तरीके से, हालांकि अब इस MOI समीकरण की जो हम बात कर रहे हैं, अगर ये MOI समीकरण जो कल हमने जब उनसे बातचीत की थी सलीम परवेज ने, तो उन्होंने कहा था कि अब शायद MOI समीकरण से M की जरूरत राजद को नहीं है। प्रदेश में JDU जो है वो अब अपनी पार्टी को नंबर वन बनाने की एक बार फिर से जद्दोजहद में लगी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से JDU को देखा जाए तो बिहार में अब सत्तारूढ़ तो है लेकिन दूसरे नंबर पर है, पहले स्थान पर NDA में BJP है, और अब उसी पार्टी को मजबूत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के अन्य कई बड़े जो नेता हैं वो सभी लोग जन समर्थन को एक बार फिर से जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर एक समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि M मुस्लिम समाज को लेकर के एक चेहरे के रूप में एक बार फिर से जब सलीम परवेज JDU में शामिल हो जाते हैं तो इसका कितना बड़ा फायदा JDU को होगा ये भी देखना होगा। साथ ही साथ एक और भी बात ये होगी कि जिस BJP ने और जिस BJP के कई बड़े नेताओं ने पिछले कई बार ऐसे बयान दिए हैं या फिर JDU के तरफ से कई बार ऐसे बयान आए हैं कि BJP ने उनके साथ सब कुछ ठीक नहीं किया, पीछे से वार किया, क्या उस वार का जवाब जो होगा
वो सलीम परवेज दे पाएंगे, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन आज जिस कद के साथ और जिस लाव लश्कर के साथ उन्होंने पार्टी में पदार्पण किया है, एक बार फिर से घर वापसी की है, ये सब कुछ वक्त बताएगा कि कितना बड़ा और कितना सफल साबित हो सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।